मैं माँ हूँ, धरती माँ। कोई भी राजा जब प्रजा के दुखों को पहचान कर उनके निवारण की चेष्टा करता है तो दैवी शक्तियां भी उसके लिए कृपालु हो जाती हैं। राजा जनक के साथ भी यही हुआ। अकाल पड़ने पर जब उन्होंने ये निर्णय किया कि वो अपनी कृषक प्रजा की भांति स्वयं हल चलाएंगे तो प्रकृति को दया आई। राजा जनक को न आकाश ने निराश किया न धरती ने। आकाश ने उनके लिए बादलों के द्वार खोल दिए और धरती ने उनकी झोली में वो अनमोल रत्न डाल दिया जिसे संतान कहते हैं। मिथिला में भी बाहर आ गई और राजा जनक के जीवन में भी। ये भूकन्या मिथिला में क्या कोलाहल पैदा करती है ये जानने को मैं बहुत उत्सुक हूं। कितनी सुंदर कन्या है, इस पर दृष्टि पड़ते ही मेरे शरीर में जैसे ममता का स्रोत फूट पड़ा। जैसे कि ये भूमि से नहीं मेरी कोख से जन्मी हो। प्रिय, तब तो मैंने जो निश्चय किया है वो सर्वथा उचित है। क्या निश्चय किया है नाथ? ये कन्या मेरी पुत्री बनकर इसी राजभवन में रहेगी। सत्यनाथ? हाँ प्रिय, आज के उपरांत ये मेरी और आपकी संतान कहलाएगी। मैं आपको किन शब्दों में धन्यवाद दूं? आपने मुझे ये पुत्री देकर मेरी सुनी गोद हरी कर दी। ये पुत्री आज से जनक दुलारी हो गई, जानकी हो गई। मैं मां हूं, धरती मां। भगवान श्री विष्णु दशरथ के आंगन में खेल रहे हैं। माता लक्ष्मी मेरी गोद से उठकर राजा जनक की गोद में पहुंच गई। आज तो मेरा कण कण पावन हो गया। वो शुभ कथा आरंभ होने ही वाली है जिसकी संसार प्रतीक्षा कर रहा है। किंतु वो कथा ही क्या जिसमें कोई मोड़ ना आए, कोई उलझन ना दिखाई दे। सो इस कथा के आरंभ होने से पहले ही मिथिला में एक विवाद उठ खड़ा हुआ। ये कैसे संभव है? ऐसे अनर्थ हुए तो हमारे समाज की तो नींव हिल जाएगी। आप सत्य कहते हैं आचार्य। यदि लोग यूं ही आगे चलकर खेतों में पड़े शिशुओं को अपनी संतान बनाने लगे तो सामाजिक व्यवस्था का क्या होगा, जो हमारे पुरखों के परिश्रम का फल है और न जाने हम उस पर कब से चलते आ रहे हैं। हाँ। किंतु हे आचार्य, यदि राजा जनक ने स्वेच्छा से किसी कन्या को अपनी पुत्री माना है तो उसमें हम कौन होते हैं आपत्ति करने वाले? ये कैसी बिना सिर पैर की बात कही आपने। अरे राजा जनक उच्च कुलीन है, महारानी सुनैना भी उच्च कुलीन है, किंतु ये भूमि कन्या उच्च कुलीन है अथवा नहीं हमें पता नहीं। इसके शरीर में किसका रक्त है हमें ये भी नहीं पता, और इसका कुल उसका तो हमें बिल्कुल ही नहीं पता। नहीं, हम ये सहन नहीं कर सकते। हाँ, हम मिथिला नरेश से जाकर पूछेंगे कि वे हमारे पुरखों की परंपरा को क्यों तोड़ रहे हैं। उन्हें हमारे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। हाँ, उन्हें उत्तर देना ही होगा। चलिए चलिए। Thank you.
मिथिला राज्य एक प्रजातांत्रिक राज्य है। यहां किसी को भी अपने मन की बात कहने की पूर्ण स्वतंत्रता है। मैंने सुना है कि कुछ ब्राह्मण हमसे रुष्ट हैं। हाँ महाराज, हमें सुनकर बहुत दुख हुआ कि आप उस दिन भूमि से प्राप्त हुई कन्या को अपनी पुत्री बनाने की सोच रहे हैं। सोच रहा नहीं हूं ब्राह्मण देव, सोच चुका हूं, निर्णय ले चुका हूं। अब वो मेरी पुत्री है और मैं औपचारिक रूप से इसकी घोषणा भी कर चुका हूं। यह कैसे संभव है महाराज? उस कन्या का तो गोत्र, वंश तथा समाज का कुछ अता पता नहीं। हाँ महाराज, वो ये भी नहीं जानता कि उसके माता पिता हैं कौन। हाँ, वंश, गोत्र, समाज, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं श्रीमान? वो कन्या है, वही कन्या जो माता का रूप होती है, वो तो जननी है। आप मुझे क्षमा करें श्रीमान, किंतु आप उसका वंश, गोत्र और समाज पूछ रहे हैं जो स्वयं वंश, गोत्र और समाज को जन्म देती है। उसका कुल तो समस्त संसार है। क्या इस धरती पर कोई भी वंश, गोत्र या समाज बिना कन्या के जन्म ले सकता है? मुझे तो लगता है कि ईश्वर ने मुझे इसीलिए संतान नहीं दी थी कि मैं इस कन्या का पिता बन सकूं। मैं महाराज से सहमत हूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं गुरु शतानंद। यह सत्य है राजा जनक कि संसार में कन्या का स्थान सर्वोच्च है, वही माता का रूप धारण करती है, वही संसार की जननी है। क्या अब भी किसी को कोई आपत्ति है? नहीं, कोई आपत्ति नहीं। मैं राजगुरु होने के नाते घोषित करता हूं कि मिथिला नरेश जनक को भूमि कन्या को अपनी पुत्री मानने का पूरा अधिकार है। आयुष्मान भव। ओम अग्ने नाय सुपधाराय अश्मान विश्वानिदे भवयुनाय विद्वान् यूयो यस्मत्कामेनो भूर्भुवस्सुवः नमः। ॐ अग्निमीते पुरो हे मिथिला नरेश, आप अपनी पुत्री का नामकरण करना चाहते थे। जी गुरुदेव। तो सुनिए, यह कन्या रूप, गुण और चरित्र में समस्त संसार के लिए उदाहरण बनेगी। नारी के चरित्रवती होने की कसौटी कहलाएगी। संसार में इसकी पूजा की जाएगी। यह कन्या अब आपके विदेह वंश का अंश बन गई है, इसलिए ये वैदेही भी कहलाएगी। आपने इसे अपनी पुत्री मान लिया है, इसलिए इसे जानकी भी कहकर पुकारा जाएगा। हे गुरुदेव, इस कन्या का अपना एक अस्तित्व भी है। ये सारे नाम तो इसकी उपाधियां मात्र हैं, स्वयं इसका भी तो कोई नाम होना चाहिए गुरुदेव। अवश्य। हे राजा जनक, आपने इस कन्या को एक खेत में पाया था और उस समय पाया था जब आप धरती पर हल चला रहे थे, इसलिए मैं इस कन्या को सीता नाम देता हूं। सीता अर्थात? सीता अर्थात धरती पर हल चलने से बनने वाली रेखा।
यही इसका नाम होगा। इसी नाम से ये ख्याति पाएगी, इसी नाम से इसकी पूजा होगी। सीता, जनक तुलारी सीता। राम को कहीं देखा? महारानी, वो तो छोटी रानी के साथ खेल रहे हैं। दोनों को एक दूसरे के बिना चैन ही नहीं आता। घूमत चलत राम चंद्र, घूमत चलत राम चंद्र, बाजत भैजनिया, घूमत चलत राम चंद्र, बाजत भैजनिया, घूमत चलत राम चंद्र। चलत धाय परत भूमि लट पटाय, परत भूमि लट पटाय, धाय मात गोद ले तो, धाय मात गोद ले दशरथ ठुमक चलत राम चंद्र, ठुमक चलत। तुलसीदास अति आनंद, तुलसीदास अति आनंद, निरखि के मुखारविंद, निरखि के मुखारविंद, रघुवर की छवि अपार हो, रघुवर की छवि अपार, रघुबर मुख बनिया, ठुमक चलत राम चंद्र, ठुमक चलत राम चंद्र, बाजत भैजनिया, ठुमक चलत राम चंद्र, बाजत भैजनिया, ठुमक चलत राम चंद्र। जा, हाँ, हाँ, ना ना, अरे, लाओ धाइमा, इसे मुझे दे दो। अब ध्यान आया? मैं तो समझी थी
कि महारानी कौशल्या के पुत्र के ध्यान में तुम ये भी भूल चुकी हो कि तुम्हारा भी कोई पुत्र है। धाई माँ, मैं आपकी भावना समझती हूँ, पर मैं क्या करूँ, राम है ही ऐसे प्यारे कि मेरी दृष्टि उनके मुख से हटती ही नहीं। मेरी ही नहीं, सबकी यही दशा है। देखा नहीं है आपने, सब उनके चारों ओर कैसे मंडराते रहते हैं। हाँ हाँ, देखा है मैंने, भली भांति देखा, किंतु दूसरे के बालक से स्नेह करने का यह अर्थ तो नहीं कि अपने ही बालक को भुला दिया जाए। भरत का तुम पर सर्वप्रथम अधिकार है। मैं जानती हूँ धाई माँ, किंतु क्या आप जानती हैं जितना मैं राम को चाहती हूँ उतना ही महारानी कौशल्या मेरे भरत से प्रेम करती है। मैं इस विषय में क्या कहूँ, छोटा मुंह बड़ी बात होगी। मैं तो केवल ये जानती हूँ कि मेरा भरत तुम्हारे प्रेम को तरस रहा है, और मुझे ये तनिक भी अच्छा नहीं लगता, तनिक भी अच्छा नहीं लगता। आप अपनी भावनाओं की बंदी हैं धाई माँ, कभी उनसे ऊपर उठकर तो देखिए, आप भी राम को प्रेम करने लगेंगी। लाओ मेरे पुत्र को मुझे दे दो। अरे 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 मेरा लाडला पुत्र, अरे मेरा लाडला पुत्र। क्यों, अरे देखा ये भी मेरी बात से सहमत है। मुझे कुछ ना कुछ अवश्य करना पड़ेगा, अवश्य करना पड़ेगा। राम रो रहा था।